बहुत मेहनत कर लिया अपने YouTube चैनल पे ना, लेकिन आपके वीडियो का व्यू 7 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 50, उससे ज़्यादा आपके वीडियो का व्यूज़ नहीं बढ़ रहा है। एकदम परेशान हो गए हो भाई साहब। आपके वीडियो का व्यूज़ ना बढ़ने का कारण जानते हो क्या है? आप खुद जानते हो। मतलब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो यार, जैसे नॉर्मली वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब एप्लीकेशन पे जाके वीडियो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर दिया, देन आईटी स्टूडियो ओपन करने के बाद जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स थंबनेल है उसको लगा के पब्लिक कर दिया अपने वीडियो को। बस यहाँ तक हर क्रिएटर करता है और यही करता है, सोचता है कि इतना कर देने के बाद मेरा वीडियो जो है वो वायरल चल जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपके YT स्टूडियो में ही 2024 का लेटेस्ट अपडेट आया है जिससे आप पता कर सकते हो भाई साहब आपके वीडियोस पर इतना अच्छा खासा कम व्यूज क्यों आ रहा है। सो ठीक है, अगर आपके वीडियो पर 7 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 20 से 50 व्यूज़ आकर रुक जाते, उससे ज़्यादा व्यूज़ एकदम से नहीं। देखो भाई साहब, मेन दिक्कत क्या होता है जानते हो, अगर आपके वीडियो का इंप्रेशन, ठीक है, आपके वीडियो का इंप्रेशन अगर YouTube दूसरे के पास भेज रहा है सबसे ज़्यादा, तो आपकी वीडियो 110% तुक्के में वायरल जाएगी। लेकिन भाई साहब अगर इंप्रेशन ही नहीं जा रहा है तो व्यूज़ कहाँ से आएगा, घंटा ना आएगा। तो क्या कुछ करना होगा, चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आप लोगों को विद लाइव प्रूफ बताऊंगा। और आपके YT स्टूडियो में खुद आपके वीडियो का वायरल करने का एकदम सटीक, एकदम रियल तरीका एकदम बताया गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं है भाई साहब, जिसके कारण से आपको बस वही 10, 20, 7, 8, 50, उससे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आप लोगों को विद इन लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइज आपको अपने YT स्टूडियो को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो एनालिटिक्स का, नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर देनी है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस चैनल पर व्यूज़ जो बोलोगे ना 30 मिलियन, मतलब क्या 3,20,00,000, मतलब व्यूज़ है अप्रॉक्स में, मतलब आ रहा है महीना भर में, ठीक है, देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो जो YT स्टूडियो है, आपको खुद ब खुद YT स्टूडियो सही डायरेक्शन में बताती है कि आपके वीडियो क्यों वायरल नहीं हो रही है, आपके वीडियो में क्या दिक्कत है जिसके कारण से आपके वीडियो का व्यूज़ 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, खूब से खूब 50 व्यूज़ आके रुक जाती है। YT स्टूडियो खूब बताता है आपको खुद, लेकिन आप लोग मतलब क्या करते हो, आप लोगों को कुछ निकालने का जो इसका एनालिटिक्स है, एब्जॉर्व करने का तरीका सही से नहीं आता, जिसके कारण से आप क्या करते हो वीडियो का, आपके वीडियो का व्यूज़ नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, YT स्टूडियो में यहाँ आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर एक रिसर्च का एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर रिसर्च वाले ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर देनी है। क्लिक करोगे भाई साहब तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ इस टाइप का एकदम पूरा एकदम लिखा हुआ वीडियो कुछ शो होगा, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा है देख सकते हो एक्सप्लोर टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि आपके चैनल के रिकॉर्डिंग बहुत सारे आपको वीडियो यहाँ पर सर्च करके दिखा देंगे, टाइटल सर्च करके दिखा देंगे कि ऐसे यहाँ पर जो टाइटल मैच करेगा उसी को, उसी के रिकॉर्डिंग आपको वीडियो अपलोड करनी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ये एक सर्च करने का एक मतलब बोलोगे ना कि मतलब आपके चैनल के रिकॉर्डिंग कोई चीज़ क्या है सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, वो एक मतलब जस्ट एक सर्चिंग का फिलअप दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लड़ानी है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको नीचे आनी, ठीक है, नीचे आओगे यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो यहाँ पर टॉप सर्चेस 2022, आपके चैनल पर 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किया क्या गया है, देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर 3-4 टाइटल लिखा हुआ रहेगा उसे के रिकॉर्डिंग आपके चैनल, मतलब आपके चैनल की जो वीडियो है इन सब के नीचे मतलब शो की होगी, ठीक है, 2022 में, यहाँ पर देख सकते हो रिलेटेड 2022। अब यहाँ पर नीचे आओगे यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप सर्चेस, अब ये जो टॉप सर्चेस लिखा हुआ है यहाँ पर ईयर नहीं लिखा हुआ, मतलब क्या ये इस साल का है 2023-24 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी मेरे चैनल का रिकॉर्डिंग क्या देखी जा रही है, यहाँ पर देखो खेसारी, मतलब जो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है दो चार टाइटल जो लिखा हुआ है इसी के रिकॉर्डिंग मेरी जो चैनल का वीडियोज़ है उनसे नीचे शो करती है। अब यहाँ पर तो भाई साहब समझ में आ गया भाई साहब अब व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये तो समझ आ गया। अगर मान लो भाई साहब इन सब से रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, वीडियो तो वायरल तो जाता नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो ऑडियंस का, सिंपली से ऑडियंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। जब क्लिक करोगे भाई साहब आपको नीचे आनी है, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा देखो चैनल्स दैट योर ऑडियंस वॉचेज, मतलब आपके चैनल का जो ऑडियंस है क्या देखना पसंद करती है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे भाई साहब यहाँ पर कुछ चैनल्स आपके सामने नजर आएंगे लिस्टेड भाई, इन सब चैनल का जो ऑडियंस है ना आपके चैनल का ऑडियंस है, समझ रहे हो बात क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो
बस उसी कैटेगरी से रिलेटेड ये सब भी वीडियो बनाते हैं, और इसका जो ऑडियंस है आपके चैनल का भी वही ऑडियंस है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे टॉप में जो चैनल है उस चैनल पे क्लिक करो। डायरेक्ट आप क्या कहोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आप यूट्यूब पे डायरेक्ट चले जाओगे और देखो क्या क्या वीडियो बना रहे हैं। सबसे ऊपर में जो चैनल है उसी पे क्लिक करनी है, उसको देखो, उस चैनल पे एनालिसिस करो कि क्या क्या ये किसके रिकॉर्डिंग वीडियो बना रहे हैं। बस उन सब वीडियोज़ को आपको क्या करनी है, बस उन्हीं से रिलेटेड वीडियो बनानी है, जैसे जैसे वो चैनल बना रहा है, ऊपर वाला जो चैनल है, ठीक है। अब यहाँ पर बैक आओगे, बैक आने के बाद भाई साहब यहाँ पर एक ऑप्शन एकदम सबसे ज़्यादा एकदम मैंने व्यूज़ बढ़ाने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है यहाँ पर लिखा है, व्हाट योर ऑडियंस वॉच इट, आपकी ऑडियंस क्या वॉच करना पसंद करती है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ नज़र आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब इन सब के वीडियोज़ के नीचे आपकी वीडियो 110% शो करती है, जी हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पर वीडियोज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो वीडियोज़ नज़र आ रही है, जैसे ही वीडियोज़ पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट यूट्यूब पर चले जाओगे और यूट्यूब के नीचे जस्ट देखोगे आपकी वीडियो शो कर रही है, कोई एक वीडियो शो करेगी आपके चैनल का। तो आपको क्या करनी है, जो इन सब का टॉपिक है, इन सब वीडियो का, बस इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो क्रिएट करनी है, ठीक है। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई साहब इतने वीडियो, ऐसे वीडियो बना के एकदम व्यूज नहीं बढ़ रहा, बहुत तरह का ट्रिक अप्लाई कर लिया, ये सब भी ट्रिक अप्लाई कर लिया। भाई साहब इस ट्रिक को आपको क्या करनी जानते हो, उसके बाद भाई साहब आपको करनी क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आपका चैनल मोनिटाइज्ड नहीं है तो आप अपने एक दूसरे मोबाइल लो, अपने मम्मी का पापा का, और उस मोबाइल पे आप करीबन 20 जीमेल आईडी क्रिएट करो, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर आपका 7 से 8, 8 से 10 व्यूज आती तो आप एक दूसरा मोबाइल लो, उस मोबाइल पे आप क्या करो, 10 से 20 जीमेल आईडी क्रिएट करो। जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद आप जब वीडियो पब्लिक करोगे तो एक जीमेल आईडी से उस मोबाइल से, अपने मोबाइल से नहीं, दूसरे मोबाइल से आपको एक जीमेल आईडी से 10 बार वॉच करनी है, फुल। आप फुल वॉच करोगे तो बहुत टाइम जाएगा भाई साहब। एक ऑप्शन आता है, वीडियो जब प्ले करोगे तो ऊपर में सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके 2x पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, आपके वीडियो का परफॉर्मेंस मतलब स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर 5 मिनट की वीडियो है तो आपकी वीडियो 2 मिनट में सलट जाएगी, मैंने देख लोगे, ठीक है। तो वैसे अगर एक जीमेल आईडी से, समझ रहे हो ना बात क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एक जीमेल आईडी से आप अपनी वीडियो को जैसे पब्लिक करोगे, अपनी वीडियो को अपलोड करोगे, उस वीडियो को एक जीमेल आईडी से एक बार वॉच करो, स्पीड बढ़ा के। स्पीड कैसे बढ़ाना है अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे सर्च कर लो जाके। और एक जीमेल आईडी से अगर 10 बार वॉच करते हो और 20 जीमेल आईडी से अगर 10-10 बार वॉच करोगे, 200 व्यूज़ आपको 110% मिलेगा। अब जब 110% आपके वीडियो का 200 व्यूज़ अगर आ जाता है भाई, तो YouTube खुद डिटेक्ट कर लेगी कि इसको वीडियो काहे ज़्यादा बार देखा जा रहा है, तो आपकी वीडियो क्या करेगी, सजेस्टेड के तौर पर भेज देगी, ब्राउज फीचर में भेजा करेगी YouTube खुद ब खुद एनालिसिस करके। सो गाइज यही तरीका है, अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस ट्रिक को अप्लाई करो, जो सब मैंने शुरुआती बताया, इन सब से रिकॉर्डिंग वीडियो बनाओ, देन 20 जीमेल आईडी क्रिएट करके दूसरे मोबाइल से और वॉच करके आप अपनी वीडियो को अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हो, मतलब व्यूज़ बढ़ा सकते हो। सो गाइस फाइनली ये अपडेट था, अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलना चाहूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।